अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मुनीर हुसैन फसवाला। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और सरतान के तमाम अमराज का, गिल्टी का, कैंसर का इलाज करता हूँ। मैंने अपनी फेलोशिप की है न्यूयॉर्क सिटी में, मैनहट्टन और ब्रुकलिन से। मैंने मैनहट्टन में स्लोन मेमोरियल कैटरिंग हॉस्पिटल है, यूएन ऑफिस के पास, मैनहट्टन न्यूयॉर्क, वहाँ मैंने वहाँ भी काम किया है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा वसी तौर पे सरतान है, ख़ास तौर पे औरतों में सीने का सरतान, ओवरी का सरतान, सर्विक्स का सरतान, इनके अंदरूनी अज़ा का सरतान बहुत कॉमन है और बड़ी देर बाद तशखीस होती है, जिसके नतायज बड़े ही जानलेवा होते हैं। इसके अलावा मर्दों में जो पाकिस्तान में फेफड़ों का कैंसर बहुत कॉमन है, गुटखा खाने की वजह से ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें बड़ी तादाद में लोग मुतासिर होते हैं, इनकी ऑपरेशन होते हैं, कीमो होती है, इनकी शुआएँ लगती हैं और अक्सर नतीजा बुरा ही निकलता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि फौरन पहले ही ज़रा सी भी अलामत हो, मुंह में सूजन हो, दाना हो, उसी वक्त ऑन्कोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। किसी किस्म की गिल्टी हो सीने में, उसी वक्त रजू करें। बगल में गिल्टी हो, गर्दन में गिल्टी हो, खांसी जो ना जा रही हो, फौरन रजू करें। पेट के अंदर लोग बाज़ दफ़ा बहुत देर कर देते हैं, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, कब्ज़ हो गया। तो बाज़ दफ़ा हाथों का सरतान, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है लोगों में हाथों का सरतान बढ़ता जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। तमाम इस किस्म के हमारे पास अच्छे तरीके हैं कीमोथेरेपी देने के, और हम सर्जरी भी अरेंज करके दे सकते हैं, इसके अलावा रेडिएशन भी अरेंज करते हैं। इन तमाम मॉडलिटीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, सरतान का बखूबी इलाज कर सकते हैं, जो कि जदीद तरीके से जो भी मुरज्जा है उसमें हम ये काम करते हुए अच्छे नतायज हासिल कर सकते हैं।